मुन्ने तुझे चील के बच्चे याद है हमारे? हाँ याद है, इतने छोटे से पाले थे ना हमने, अब माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए, मतलब उड़ने के लिए तैयार हो गए। आज आपका भाई सोच रहा है अपने चील के बच्चों को आजाद कर देते हैं, उड़ा देते हैं, क्या बोलते हो? हाँ भाई चल के उड़ा देते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ जब चील के बच्चों को उड़ाएंगे वो आसमान की बुलंदियों पे जो परवास करेंगे पर खोल के, यार कितना अच्छा मंजर होगा, मतलब कितनी सेटिस्फेक्शन वाली फील होगी कि हमने चील के बच्चों को अपने हाथ से पाल वाल के बड़ा करके फाइनली उनके माँ बाप के पास रिलीज कर दिया। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं उसामा भाई के घर, क्योंकि उसामा भाई के घर चील के बच्चे रखे हुए हैं और जैद भाई जो कि चील के बच्चों की हिफाजत करते हैं उनके साथ मिलकर आज चील के बच्चों को हम रिलीज कर देंगे। यार मुन्ने आजकल हम लोग को इतनी नजर लग रही है, इतनी नजर लग रही है, कभी हमारा फड्डा हो जाता है, कभी हमारी करोला ठुक जाती है, कभी हमारी एवरी गाड़ी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। यार एक काम कर, तू मेरे ऊपर ना दम पड़ के फूंक दे ताकि मुझे नजर ना लगे। रुको जरा सबर करो। आई हाय ब्रश नहीं किया था, मुंह से बदबू आ रही है। चलो भाई बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, अब हम लोग पहुंच चुके हैं उसामा भाई के घर। अबे अंकल साइड हो जाओ, ठोकोगे। अबे अबे अंकल अंकल, अबे ये तो जुनैद अकरम के अब्बू लग रहे हैं। मुन्ने मैं तुझे बता रहा हूँ मेरी सारी बातें माना कर, वरना इन अंकल की तरह हाल कर दूंगा, ऐसे हाथ लेके घूम रहा होगा, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। फाइनली भाई उसामा भाई के घर हम लोग पहुंच चुके हैं। उसामा हाँ चील के बच्चे, अबे मैंने सुना बड़े हो गए बहुत ज्यादा, अबे जैद भी आ गया। बड़े हो गए जाओ, क्या बच्चे लो? अबे उड़ाना है ना, आज उड़ा दे चील के बच्चे हम लोग। यस। अरे 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 भाई साहब ये ठग लाइफ चेक करो, चेन वेन ये मेरी दीवी है, वैसे शर्ट भी मेरी दीवी है, ये भी मेरी दीवी है, सब कुछ मेरा दिया हुआ है। याद है यार बसंती वाली थी। यार बसंती वाले दिन वैसे वापस आने वाले हैं, तुम लोग मतलब सिर्फ एक महीना वेट कर लो, एक महीने बाद दोबारा से हमारी बसंती यहाँ पर होगी। लेकिन नहीं होगी, आपका भाई रेनोवेट करवा रहा है, ये देखो लाइन में चल रही सारी, ओए काम चल रहा है वीआईपी। अरे भाई साहब शादी करके शिफ्ट होने का इरादा है। चल यार उसामा भाई, मैंने बिरयानी भी खाई हुई है, कोरमा भी खाया हुआ है, टिक्का भी खाया हुआ है, सब खाया हुआ है। आज मैं पता क्या खाऊंगा, आज मैं जैद को खाऊंगा, मजे मजे का जैद इसका टिक्का बना के खाऊंगा मैं, सही है? खा लूं तुम्हें? अबे पागल हो गया, हाथ तो लगा दे। अबे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है जैद, उसामा भाई की गोद में जा रहा है, आई आई बच्चा बना हुआ है, उससे मैं मुंह तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आई आई गोद में चढ़ा हुआ है। छोटा बच्चा बच्चे की जान नहीं आ गया, तुम बातें इतनी बड़ी क्यों करते हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे बड़ा होने दे, मैं कह रहा हूं मैं और इतना बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं अपने एक हाथ से उठाऊंगा नदी में फेंक दूंगा। भाई साहब एक हाथ से उठा के नदी में फेंक दूंगा, बस हवा निकल गई। मुश्किल काम है यहाँ से चढ़ना। यार ये बाबा आदम के जमाने की जो सीढ़ियां है ना, इसको देख के बहुत डर लगता है, अबे गिर ना जाए देख के यार, देख के अबे पागल है क्या, अबे बच्चा है तेरे हाथ। बड़ी बड़ी बातें करता है यार, एक सीढ़ी से डर गया। ये सीढ़ियां बड़ी खतरनाक है भाई साहब, ये ना पहले ऊपर थी, अब देखो ऐसे ऐसे नीचे आ गई है, मतलब ये कभी भी गिर सकती है। अच्छा दुनिया को कर दो बैंग बैंग, वेलकम टू मिस्सी गैंग। भाई आज हम लोग अपने चील के बच्चे फाइनली रिलीज करने वाले हैं। अबे उसामा भाई आपके भाई को तो ऐसी तलब हो रही है देखने की कि चील के बच्चों को देखो तो कितने बड़े हो गए। भाई इतने बड़े हो गए कि आप देख नहीं पाओगे। ओए ओए मतलब फ्लाइंग भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, इतने इतने से बच्चे लिए थे ना, अब वो जाल में इधर से उधर टकरे मार रहे हैं। वैसे यार एक बात आपको बताऊं, चील के बच्चों की सारी हिफाजत केयर इस छोटे से बच्चे जैद ने की है, और माशाल्लाह से चील के बच्चों को खाना देना, उनकी केयर करना, उनकी मालिश करना, उनके पांव दबाना, सारा का सारा करते थे ना तुम। पोटी दिलाता था, पोटी भी दिलाते थे चील के बच्चों की, आई हाई। और क्या क्या करते थे? माँ की तरह पिलाया दूध पिलाया, माँ की तरह पिलाया दूध पिलाया। चील के बच्चे दूध कब पीते? तुम लोग भी सोच रहे होगे यार मिशकात भाई कितना ज्यादा इंतजार करवाते हैं, क्या बोलते हो चील के बच्चे दिखा दें? दिखा दो यार मुझसे भी। बच्चे को ऊपर छोड़ के क्या जा नहीं गया? अबे तो तुम तो बहादुर आदमी हो ना, तुम छलांग मार कर आओ ना नीचे, हम लोग भी तो छलांग मार कर आए। तू ऊपर ही रह बेटा, सब देख रहे हैं, सबको एक एक बटन लगाऊंगा। उस्ताद ये तो धमकी दे रहा है। पीछे मेरे दो आगे आगे, दो आगे पीछे, दो आगे आगे, पीछे वाली आंखें कहां है तुम्हारी? अबे अबे अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अबे कैमरा बंद करो यार। फाइनली तुम लोग को दिखाने वाले हम लोग चील के बच्चे। भाई इस केज के अंदर माशाल्लाह से चील के बच्चे रखे हुए, और प्रॉपर जो केयर होती है ना वो हम लोग करते हैं, इस तरह नहीं कि डरबे के अंदर डाल के उसकी मतलब हिफाजत ही नहीं कर रहे हमने। आपने किया? अच्छा भाई इन्होंने किया, इनको क्रेडिट दे देते हैं यार, और क्रेडिट गोज टू सामा भाई। भाई माशाल्लाह से दो केजेस बनाए हैं चील के बच्चों के, क्योंकि दो चील के बच्चे हैं तो दो केजेस होने चाहिए। एक ये वाला केज है माशाल्लाह, चेक करो कितना बड़ा है, मतलब स्पेस ही स्पेस है, और दूसरा ये वाला केज है, और इसके अंदर से जाने का रास्ता भी है,
मतलब अगर आपको एक कमरा पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरे कमरे में भी जा सकते हो। एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, कमरे में प्यारा सा सुराग है, सुराग है जिसमें यूं करके ये यूं जाते हैं और यूं करके यूं जाते हैं। और जोड़ा भी हम पूरा बनाते हैं, दो चील के बच्चे हैं। यार चील के बच्चों, अगर तुम लोग की इजाजत तो हम लोग अंदर आ सकते हैं। आ जाओ अंदर। चलो भाई इजाजत दे दी चील के बच्चों ने, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। ओए होए 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 होए, अबे ये तो अपनी हिफाजत करने आ गया फौरन से, ये वाला मर्द का बच्चा लग रहा है। औरत तो अंदर बैठी हुई चुपके से, ये देखो अबे इस काबिल हो गए कि ये हमला भी कर सकते हैं। है अबे अटैक ना कर दे यार। वैसे माशाल्लाह चेक करो, बैठने के लिए जगह भी बना हुई है प्रॉपर तरीके से, अंदर भी बैठने बैठने की जगह है, वॉशरूम भी इनका रखा हुआ है, लेकिन ये इतने गंदे हैं यहीं पर पेशाब पॉटी कर देते हैं यार। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखो आपका भाई जानवरों की कैसी केयर करता है, तो सोचो लड़कियों की कितनी केयर करूंगा। कोई लड़कियों की रिश्ता करवा दो, मैंने सुना आजकल यूट्यूब पे आप रिश्ते करवा रहे हो। अबे एक काम करते हैं, चैनल बनाते हैं रिश्ते करने वाली आंटी। हां इसमें आंटी आप बनना, रिश्ते मेरे करवाना। चलो भाई फाइनली हम लोग जा रहे हैं चील के बच्चों के कमरे के अंदर, और वो चेक करो अंदर बैठे हुए दो चील के बच्चे। यार हम लोग दूसरे कमरे से इंटर हो रहे हैं अभी। अरे भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं उस्ताद, अटैक वटैक ना कर दे, मैंने सुना ये आंख वाक भी खा लेते हैं। अबे ये तो हमला करने आ रहे हैं मेरे ऊपर, ये वाला तो हमला करने आ रहे हैं मेरे ऊपर। बंद नहीं करो सामा, पागल वागल हो गया। अबे भाई एक चील का बच्चा यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है, और ये उड़ उड़ के चेक करो कितने ज्यादा एग्रेसिव हो गए, मतलब ये लोग उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपका भाई तो अपनी ढाल ले लेता है फटाफट। ओए, दूसरा वाला भी निकल गया। माशाल्लाह से इतने छोटे हमने पाले थे, और आप लेवल चेक करो कितने ज्यादा बड़े हो गए, मतलब इसको देख के ना अलग सी हैबत आ रही है यार। ओए ओए, और फ्लाइंग के लिए तैयार है ये देखो, मतलब आपके भाई ने जरा सा हाथ करीब किया और ये इसने फ्लाइंग की फौरन से। आपके भाई से ना मानूस हो चुका है, आपके भाई के पास बार बार आ रहा है, इसको कोशिश करता हूँ पकड़ने की। ओए 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 ओए, अरे भाई साहब। ओए 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 ओए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को पॉकेट ब्रोकर ऐप पर ट्रेडिंग करके दिखाना चाहता हूँ। इसके फीचर्स तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और रजिस्ट्रेशन इसकी बहुत आसान, और मजे की बात यह कि इसमें डेमो अकाउंट का एक्सेस सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है और 5 सेकंड में आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप लोग हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 60% बोनस मिलेगा। देखो भाई मैंने तो 7,000 की ट्रेड लगाई थी, और दिन में आपका भाई 2 दिन ट्रेड तो लगाता रहता है, इससे क्या होता है कि दिन भर के खर्चे बाहर आ जाते हैं। चलो आओ मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो भाई मैंने तो अपना $36 का अमाउंट एपल OTC पर लगा दिया, और मैं तो हायर की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि मार्केट अपर जा रही है। मजे की बात यह कि आप अपना कैश आराम से विड्रॉ करवा सकते हैं। फाइनली आपके भाई ने तो पैसे अर्न कर लिए, खुशी का मौका है। अगर आप लोग भी पैसे अर्न करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिंक दिया हुआ है। चलो यार उसामा भाई हिम्मत करते हैं, क्या बोलते हो? हिम्मत किस चीज की करनी है, क्या जंग पे जाने हैं? अबे इनको पकड़ना भी जंग है बे। वैसे आप चेक कर रहे हो, देखो मेरे पास आ रहा है बार बार, अल्लाह का शुक्र है भाई प्रॉपर केयर की, उसामा भाई ने बहुत ज्यादा केयर की। ओ चील आ रही है, अबे बाहर से चील नीचे आ रही है। ओए 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 ओए, इन्होंने भी देख लिया। निशात भाई पता है मुझे ऐसा क्या लगता है, रोजाना दो चीले इधर आके बैठी हुई होती है और इनको देखती है। अच्छा ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि वो इनके मां-बाप हैं। अबे उसामा भाई चेक करो कितना गुस्से में लग रहा है ये वाला। तो असल में निशात भाई ये जो है ना फ्रेंडली होगा, देखे कितने सुकून से बैठे हैं। हां बैठे हुए तो सुकून से। निशात भाई दिल में जा रहा है उड़ा लेगा। क्यों यार, एक मोहब्बत हो गई। मैं यकीन करो ये वाला बच्चा है ना, इसको मैं अपने हाथों से गोद देता हूं। अच्छा खिला के दिखाऊंगा भी आपको। तुमने नाम क्या रखे इनके? ये वाला जो है ना, ये वाला, ये राजू है, राजू और वो रानी है। ये राजू और रानी बहता है पानी। ये है तुम्हारी कहानी, ये है मेरी कहानी, मेरी जबानी। आप एक चीज देखें, इनके पंजों की ग्रिप देखें। अबे बड़ी खतरनाक होती है भाई इनके पंजों की ग्रिप, ये चेक करो किस तरह पकड़ा हुआ है। अगर सोचो हमारा हाथ ऐसा पकड़ा हुआ हो ये तो मतलब खून निकाल देगा ये तो। यार मिशकात भाई यार इनको आजाद करने का दिल नहीं चाह रहा यार, नहीं चाह रहा। इनको अपने हाथों से गोश्त खिलाता था, पालता था, ये मेरे बिल्कुल देखो आपसे डर रहे थे और मेरे कितने पास बैठे हैं, फ्रेंडली हो गए। बेटा देखो तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना ठीक है, और जब कभी मेरी याद आए ना या मैं छत पर आऊँ तो मुझसे मिलने जरूर आना, मैं रोजाना तुम्हें गोश्त खिलाऊंगा। यार एक चीज को पालो ना, उससे बहुत मोहब्बत हो जाती है, कैसे आजाद करूंगा यार। मिशकात भाई यार तुम्हारे सामने सर भी झुका रहे हैं। अबे यार मुझसे बहुत प्यार करते हैं यार, ये इनके खाने का टाइम था, अगर आप इजाजत हो तो अपने हाथों से गोश्त खिला दो इनको आखिरी दफा। अबे रो क्यों रहे हो सामा? अबे यार मिशकात भाई आप देखो ना कैसे थे और कैसे हो गए। हेलो बेटा ये नाराज है, पता है इनको पता चल गया, इनको अल्लाह की तरफ से कि जो ना आज हम जाने वाले हैं मुझसे नाराज है, गोश्त भी नहीं खा रहे, वरना ये छोड़ते ही नहीं थे। यार मैं तो अपनी शूट्स वगैरह में काफी बिजी रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन सारी की सारी जितनी केयर है ना चील के बच्चों की, सारी उसामा भाई ने की है। और आप चेक करें उसामा भाई से कितने मानूस है, ना भाग रहे हैं ना डर रहे हैं। अच्छा मैं करीब जाऊंगा ना, देखो डर रहे हैं, देखो मुझे ना मुझे धमका भी रहेगी, देखो बाल भी खड़े कर लिए उसने। मोहब्बत है भाई। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो बेजबान जानवर है ना और ये परिंदे,
ये अगर आप इनको मोहब्बत दोगे ना, ये आपके साथ ऐसे हो जाएंगे कि मरते दम तक, यानी कि आपको भूलेंगे नहीं। एक कुत्ते में, एक बिल्ली में, और जानवरों में, गाय में, बकरी में, सब में अल्लाह ताला ने ऐसी वो रखी है ना मोहब्बत, काश ये मोहब्बत इंसानों में भी होती। मिश्कात भाई बात तो सही है। चलो यार उसामा भाई, सूरज भी गुरूब हो रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले पहले हम लोग ने इनको आजाद कर देते। पर चेक करो यार, माशाल्लाह कितने बड़े हो गए पर इसके। सुभान अल्लाह यार, आपसे डर रहे हैं यार ये। अबे ये कैसे नीचे आया, तुम कैसे नीचे आ गए भाई? तो तुम आए कैसे नीचे? मुन्ने ने उतारा है? छलांग मार के आयो? मैंने उतारा था ये तो। अलग जंग स्टार्ट हो गई भाई यहाँ पर तो। चलो भाई, एक चील का बच्चा उसामा भाई पकड़ेंगे और एक मैं पकड़ूंगा। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक चील का बच्चा मैंने पकड़ लिया फाइनली। उसामा भाई दूसरा पकड़ लो आप। आवाजें इनकी चेक कर रहे हो, आवाजें कैसी आ रही हैं? अरे टेंशन नहीं लो यार, अभी आजाद हो जाओगे तुम लोग। चलो आ जाओ मेरे राजू, मेरी रानी, तुम लोग फाइनली आजाद होने वाले हो। तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हारा वेट कर रहे हैं ना। अब अम्मा अब्बा के पास जाना, अपनी प्यारी सी फैमिली बनाना, प्यारे प्यारे चील के बच्चे पैदा करना, लेकिन किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना। सही है, आजाद कर दें। दिल तो नहीं चाह रहा वैसे आजाद करने का। चलो उसामा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3। ओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई एक वहां पर उड़ चुका है और एक वो जा रहा। अबे एक वहां पर बैठ गया। अरे माशाल्लाह हमारा चील का बच्चा चेक करो, वो जाके बैठ गया और इसके अम्मा अब्बा भी आ गए। ये इसकी अम्मा है और इसके अब्बा ये रहे। बस जल्दी से उड़ जाए, अल्लाह करे यार ये। बस आपका भाई वेट कर रहा है। ये चेक करो, पर खोल रहा है, खुश हो रहा है माशाल्लाह से यार। यार ये देख के ना बहुत सुकून वाली फीलिंग आ रही है। मतलब हमने अपने चील के बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखा। ये राजू है या रानी है? ये रानी है, रानी है, इसलिए नखरे दिखा रही है। ओए उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ने की कर रहा है, उड़ने की कर रहा है। ओए 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 ओए, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह यार माशाल्लाह, कहाँ गया? ओए ओए क्या फ्लाइंग की है यार। माशाल्लाह से चेक करो यार, क्या खूबसूरत फ्लाइंग कर रहा है यार। उसका भाई भी आ गया करीब ही, वो चेक करो, जबरदस्त फ्लाइंग करता हुआ जा रहा है यार माशाल्लाह। यार चील के बच्चे तो हमने उड़ा दिए, लेकिन यहाँ पर चेक करो, छत में इतना बड़ा बिल्ला, उसका मुंह चेक करो। ये देखो शेरा भाई की क्वालिटी में बताऊं। हाँ। बिल्लियों के कान होते हैं खड़े में, खड़े में होते हैं। शेरा भाई के डाउन है। ओपे उस्ताद ये तो फुल खतरनाक वाला लग रहा है यार। ये देखो शेरा भाई की लुक। ओए मैं भी पकड़ता हूँ इसको। अबे डर लग रहा है मुझे तो इससे। आपको मैं बताऊं इसका नाम क्या है? शेरा। इंग्लिश में अंग्रेज क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? स्कॉटिश फोल्ड। स्कॉटिश फोल्ड। हाँ। अबे तो बहुत भारी है, 5-6 किलो का लग रहा है तो। ओए उस्ताद चेक कर रहे हो तुम, कितना मोटा है यार। अबे उस्ताद ये तो बिल्लियों का दादा अब्बू है। और ये इस वक्त आया हुआ फुल हीट पे है? इसको बिल्ली नहीं मिल रही है। अबे यार तो शादी कराओ ना यार, बिल्ली कोई है नहीं ना यार, क्या करे। तो तुम बिल्ली बन जाओ किसी थोड़ी देर को भाई, अगर अपनी बिल्ली लगवानी है हमारे बिल्ले से तो बता दे। हाँ बता दे, कमेंट करके बता। वैसे माशाल्लाह चेक करो यार कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है आपका भाई ना इंसान का बच्चा उठाया हुआ है। अरे भाई साहब वो वाला सीन आ गया, मैंने फिल्म देखा था जंगल बुक में, लायन किंग का बच्चा उठाता है। लेवल दिखल है यार, ये तो शेर का बच्चा ही लग रहा है माशाल्लाह से। यार माशाल्लाह आपके भाई को ये बिल्ला इतना ज्यादा पसंद आया ना यार, चेक करो। अभी सामने नहीं रखो ना यार अभी। यार ये तो बालों का गुच्छा है यार, ये तो रुई है, मतलब यार टेडी बियर नहीं होता लड़कियों को पसंद होता है, टेडी बियर, ओ माय गॉड, ये वो लग रहा है यार। यार अगर किसी को भी ये बिल्ला बिल्ला चाहिए ना, तो नीचे नंबर शंबर आ रहा है, आप कॉन्टेक्ट करो, ये बिल्ला इंशाल्लाह आपको हम घर तक पहुंचा देंगे डिलीवरी के साथ। मसला ये आपको मिलेगा भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون